अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही लजीज चोखे की रेसिपी। हमारे वहाँ इसको भरता भी बोलते हैं, बहुत जगह पर इसको चोखा बोलते हैं। तो चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने 500 ग्राम आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया है प्रेशर कुकर में, और अब हमने इसको चेक कर लेना है कि अच्छे से बॉयल हो गया है, क्योंकि आलू को हमको मैश करना है तो आलू का पूरा अच्छे से बॉयल्ड होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने आलू को ट्रांसफ़र कर लिया है और हमने इसको इस तरह से पील हटा देना है। आप चाहें तो आलू को पहले भी इसका पील हटा के बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो इस तरह से हमने निकाल दिया है पील को, और फिर आलू को हमने अच्छे से मैश करना है। तो अभी यहाँ पर आलू बहुत गर्म है तो बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा ठंडा हो जाए या तो फिर तब करें, लेकिन जब आलू गर्म होता है ना तो वो बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। तो इसीलिए हमने गर्म गर्म ही आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और हमने इसमें अब कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। नमक, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, और साथ में हमने नमक शामिल कर दिया है काला नमक, और 3 से 4 हरी मिर्च इस चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दी है। और इस तरह से हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो किसी मैशर की मदद से अगर इसको कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से भी बहुत अच्छे से ये मैश हो जाता है। तो इस तरह से सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चोखे को हम बिल्कुल फाइनली मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, एक अनियन चॉप्ड, टमाटर, और हमने लहसुन की कुछ कलियाँ चॉप कर ली हैं। तो सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया, फिर हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। आप यहाँ देसी घी या फिर जो भी ऑयल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है, और ज़ीरे को जैसे ही हल्का सा क्रैकल होने लगेगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हमने इसको इतना कुक करना है हल्का सा गोल्डन हो जाए, और जैसे ये गोल्डन हो जाता है फिर हमने इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर देना है। अनियन को हमने बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है इस तरह से, ताकि बड़ा बड़ा फिर मुँह में आता है, तो इस तरह से हमने इसको चॉप कर लिया है। और साथ में हमने एक टमाटर को चॉप किया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम मसालों को, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे इस तरह से। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाता है, टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे जैसे कि हम मसालों में यूज़ करते हैं, बस इसको थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा अनियन को सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हमने इसमें जो हमने आलू का चोखा तैयार किया हुआ है वो मिला देंगे इस तरह से, और सारे चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये देखिए आप, इस तरह से। आप यहाँ चाहें तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं मसाले में, लेकिन हमने ऐसे ही किया हुआ है। अगर आप हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा फिर येलो येलो दिखेगा, या तो फिर आप यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, उससे भी बहुत अच्छा सा कलर आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बढ़िया से ये कुक हो रहा है, और हम इसको चलाते रहेंगे तक ये थोड़ा सा नीचे से जब हल्का सा लगने लगता है, फिर उसके बाद हम इसको जब टर्न करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से पलट जा रहा है, और बढ़िया से हमारा चोखा बनकर रेडी हो गया है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आलू का चोखा बनकर रेडी हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप हमारी वीडियो को किस कंट्री या फिर किस शहर से देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको आगे और कौन सी रेसिपी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम वो वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही टेस्टी सा चोखा बनकर रेडी हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।